he is tempted to look into a mirror when it is near one. I took a look. एक बार क्या होता है वन फिर एक इंसान की बात बताई जा रही है जो बार बार अपने आप को मिरर में देखते हैं उनके मिरर के पास जाते हैं और अपने आप को आई टुक अ लुक अपने आप को वो देखते रहते हैं ठीक है इन दो दिन उन दिनों में आई वॉज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी मैं उस समय ब्यूटी का बहुत ही अच्छा एडमायर मतलब ब्यूटी को बहुत एडमायर करता था एंड आई बिलीव इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम और मुझे लगता था कि मैं अपने आप को क्या करूँ कैसा दिखूँ हैंडसम दिखूँ ठीक है बहुत अच्छा दिखूँ आई वॉज अनमैरिड मैं अनमैरिड था मतलब मेरी शादी नहीं हुई थी एंड आई वॉज अ डॉक्टर और मैं क्या था एक डॉक्टर ये एक डॉक्टर की कहानी है किसकी कहानी है पहले के समय बता रहे हैं कि मैं अनमैरिड था और मैं एक डॉक्टर था आई वॉज अ डॉक्टर आई वेंट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट I picked up the comb and ran it through my hair. मैं comb को उठाता हूँ, अपने बाल बनाता हूँ. Comb मतलब कंघी, ठीक है? बाल बनाता हूँ through my hair, hair तक ले जाता हूँ and adjusted the parting so that it looked. और मैं उसको क्या करता हूँ? Straight and neat दिखे, ऐसा adjust करता हूँ comb से. Again I heard that sound from above. और फिर से मुझे ऊपर से एक ध्वनि सुनाई आती है. ये एक वाक्य सुनाता है ये डॉक्टर. उसके बारे में एक पैसेज है अब इससे रिलेटेड अगर हम क्वेश्चन निकालें ठीक है एक डॉक्टर ने बता दी अपनी कहानी अगर आप पूरा पूरा पैसेज नहीं पढ़ेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि किस बारे में है तो आपको एक दो बार इसको रीड करना है अब इसके क्वेश्चन में देखो पहला कह रहे हैं व्हाट डज वन फील टेम्पटेड तो यहाँ पर मैंने आपको बोला है वर्ड्स को आपको पकड़ना है तो ये वन फील है और यहाँ पर भी वन फील है फर्स्ट जो उसका जो लाइन होगी वो फर्स्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा तो Had to make my ki jagah